नमस्कार दोस्तों, पवन वाइकर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड प्रैक्टिस सेट जो एक्सरसाइज 1.1 का क्या देख रखा है। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3, 6q+5। अब अगर इसे देखें तो ये क्या है, कैसे करेंगे इसको। सबसे पहली बात, हम यूज कर रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का, एल्गोरिदम का, ठीक है। अब यूक्लिड डिवीजन जो लेमा था उसको हम क्या करते थे, दो नंबर लेते थे जिसमें लिखते थे a इज इक्वल टू bq प्लस r, देयर वर टू नंबर्स a एंड b, और उसको इस तरह से लिखते थे। अब अगर इस क्वेश्चन को इसको देखें, इन नंबर्स को देखें, तो आपको देखिए हर जगह आपको q दिख रहा है, मतलब भैया ये क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद आप देखिए यहां पर हर जगह आपको 6 दिख रहा है, मतलब b की जगह पर आपको 6 दिख रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है, ये बोल रहा है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो हम किसके फॉर्म में इसको लिख रहे हैं, हम a के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर आपको सपोज क्या करना है, a सपोज करना है, मतलब क्वेश्चन देख के आपको सपोज करना है कि क्या आप सपोज करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, यहां पर रिमाइंडर हमको अलग अलग मिलेंगे, और फिर रिमाइंडर डिसाइड करेगा कि कौन सा ऑड है, कौन सा इवन है, कौन सा ऑड है, कौन सा इवन है, ये रिमाइंडर डिसाइड करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व ऐसे करेंगे। सबसे पहले लिखिए सपोज a इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ए जो है वो एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, एंड बी इज इक्वल टू आपको देके रखा है, एंड बी इज इक्वल टू जीरो, सॉरी जीरो नहीं, सिक्स, क्योंकि यहां पर हमें सिक्स लेके चलना है। अब आप मुझे बात बताइए, अगर मैं यहां पर इन दोनों पर यूक्लिड डिविजन लेमा लगा दू, ठीक है, अगर मैं यूक्लिड डिविजन लेमा लगा दू तो क्या होगा। यहां पर लिखिए अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिविजन लेमा, क्या होता है यूक्लिड डिविजन लेमा से हम लिखेंगे तो क्या होगा, वो होगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहां हम क्या लिखेंगे, a की जगह a लिखेंगे, b की जगह 6 लिखेंगे, q की जगह q लिखेंगे, r की जगह r लिखेंगे। यहां पर r क्या होगा, हियर जो b है, b तो 6 है, तो 0 लेस देन इक्वल देन r लेस देन 6, मतलब r की वैल्यू 0 और 6 के बीच में होगी, 0 से 6 के बीच में होगी, मतलब r क्या क्या होगा, r यहां पर होगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, r यहां पर 5 कंडीशन में आएगा, 5 r बनेंगे, ठीक है, 0 बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा, ठीक है। तो 1 by 1 हम सारी कंडीशन r की लेते हैं और हम यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। यह लिखिए वेन आर इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, इसको 1 दे दो, When r is equal to 0, तो a क्या हो जाएगा, a will be 6q+0, मतलब ये हो जाएगा 6q, ठीक है। तो आप a को क्या लिख सकते हो, आप a को 2 × 3q लिख सकते हो, समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए, मैं और कोई बात नहीं, अदरवाइज इसको नहीं रहे, इसको ऐसे रहने दिया तो भी चलेगा। यहां पर a क्या हो गया, a हो गया जी 6q, ये हो गया सेकंड वाला, ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब अगले वाले कंडीशन पे आते हैं, when r is equals to 1, तो ये क्या हो जाएगा, a is equal to 6q plus r की जगह पर यहां पर लिखेंगे 6q plus 1 हो जाएगा। फिर यहां पर when r is equals to 2, तो ये हो जाएगा a is equals to 6q plus 2 हो जाएगा। फिर लिखिए when r is equals to 3, तो ये हो जाएगा a 6q plus, जो a होगा वो 6q plus 3 के इक्वल होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, when r is equals to 4 होगा, तो ये क्या होगा, वो होगा 6q+4, और अगला वाला लास्ट वाला when r is equals to 5 होगा, तो ये क्या होगा भैया, 6q+5 होगा, मतलब आपने क्या किया, इस r की जगह पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिख दिया। अब देखिए, अब थोड़ा सा समझने वाली बात है, यहां पर 6q है, 6q क्या है भैया, 6q 6 2 के टेबल में आता है, तो डेफिनेटली ये इवन नंबर होगा, 2 × 3 करेंगे तो ये इवन हो जाएगा, इवन में मैं 2 को प्लस करूंगा, इवन में मैं 4 को प्लस करूंगा, तो ये भी इवन हो जाएंगे, मतलब कौन से नंबर, 6q+2, 6q+5, इसको 2 दे दो, इसको मैं 3 दे देता हूं, ठीक है, ये 3, ये 4 एंड ये 5, ये 6 और ये 7, हालांकि ये नंबर नहीं दिए तो भी चलता है, ठीक है, लेकिन यहां पर नंबर इसलिए दे रहा हूं मैं कि आपको फिर अरेंज करके लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हियर फ्रॉम 2, 4 एंड 6, फ्रॉम 2, 4 एंड 6,
from 2, 4 and 6, that is 6q or 6q, 6q plus 2 and 6q plus 4 are positive even numbers. ये सारे के सारे positive even numbers हैं, ठीक है? ये positive even numbers, so that बचे हुए जो होंगे वो क्या होंगे? कौन से ये वाला एक, ठीक है? मैं इसको थोड़ा सा highlight कर दूँ, एक ये वाला, फिर ये दूसरा वाला और फिर ये तीसरा वाला, ये तीनों क्या होंगे? They will be odd positive integer, okay? लिखिए and from 3, 5 and 7, from equation 3, 5 and 7, okay, 3, 5 and 7, इसको यहां equation लगा दीजिए नहीं तो हो जाएगा, क्या लिखा है सर ने, okay, from 3, 5 and 7, 6q plus 1, 6q plus 3, and 6q plus 5 are odd positive integer. ओके यही क्वेश्चन आपको ये अगर बदल के देता, देखो मैं आपको बताता हूं, अगर क्वेश्चन बदलते तो क्या होगा, अगर यही क्वेश्चन वो ऐसा देता कि प्रूव दैट 4q plus 1, 4q plus 3, ओके 4q plus 3 and 4q plus 5, 4q plus 3 बस देता है, 5 तो नहीं आएगा क्योंकि 4 है यहां पर, अगर ऐसा बोलता प्रूव दैट that 4q plus 1 and 4q plus 3 is, they are all positive integer, तो उस समय फिर आप A को तो A suppose करते हैं, लेकिन B को आप 4 suppose करते हैं, ठीक है, आपको ऐसा भी हो सकता था, prove that 6q plus 6q, any positive even odd number is of the form of 6q, 6q plus 2, 6q plus 4, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता था, ठीक है, आपको घुमा के कुछ भी देंगे, लेकिन हाँ आपको सपोज करते समय अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बी को 4 सपोज करोगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बी को 6 सपोज करोगे, तो जो बी आपको लेना है वो डिपेंड करता है कि आपको क्या लाना है, उसको ध्यान में रखकर ही आप बी को सपोज करोगे, उसके हिसाब से ही आप उसको सॉल्व करोगे, तो डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है, अगर आप इसे लिखना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए पवन एकेडमी, धन्यवाद।